आखिर कौन सी है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक रात गुजारना चाहती थी, और क्यों सलमान खान बॉलीवुड में सुशांत को काम देने से मना कर रहे थे। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किसका हाथ है सुशांत की सुसाइड के पीछे। एक ऐसा एक्टर जो खुद अपने दम पर जीरो से शुरू करता है, अपना नाम बनाता है, जो एक्टर इतनी हिम्मत रखता है, फिर वो एक्टर सुसाइड कैसे कर सकता है। किसी को भी इस सुसाइड की बात हजम नहीं हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड पर सवाल उठते ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई मैसेजेस आने लगे। साथ ही कई मीडिया ग्रुप्स ने ऐसे बैनर्स के नाम लिए जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था या उन्हें बायकॉट किया था। इन बैनर्स ने डिसाइड कर लिया था कि अपनी किसी भी फिल्म में वो सुशांत को नहीं लेंगे। दोस्तों, सुशांत सिंह का सुसाइड कर लेना बहुत सारे सवालों को उठा देता है। ऐसे में सबके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया कि इंडस्ट्री के 7 बड़े बैनर्स हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बायकॉट कर दिया था। इसमें सबसे पहला नाम था धर्मा प्रोडक्शन का। जी हाँ, करण जौहर की कंपनी ने ही इस कंपनी को शुरू किया था, उनके फादर ने, जिन्होंने दोस्ताना और अग्निपथ जैसी फिल्मों बनाई थी। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन बड़ी बड़ी फिल्में बना चुकी है, जिसमें कुछ कुछ होता है और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्में हैं। करण जौहर पर अक्सर ये इल्जाम लगते हैं नेपोटिज्म के। इल्जाम इन पर कंगना रनौत ने भी लगाया। वहीं अगर बात करें ग्रुपिज्म की, तो सब जानते हैं कि बॉलीवुड में करण जौहर उन्हीं लोगों के साथ पार्टी करते हैं और उन्हीं लोगों को अपने शो पर बुलाते हैं जो उनके ग्रुप का हिस्सा हैं। यानी कि जो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं, वो उनके शो पर इनवाइटेड भी नहीं। गोविंदा, जो इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, वो आज तक कॉफी विद करण में नहीं आए। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कंगना रनौत। जब करण जौहर ने उन्हें बुलाया, तब कंगना रनौत एक बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। और अगर बात करें ग्रुपिज्म की, तो करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो ग्रुपिज्म पर ही बेस्ड है। धर्मा प्रोडक्शन के बाद अगला बैनर है बालाजी फिल्म्स का। ये बहुत ही शॉकिंग है कि बालाजी फिल्म का नाम इस लिस्ट में है। बालाजी फिल्म वो प्रोडक्शन हाउस है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को पहचान दी थी। पवित्र रिश्ता, जिस शो ने सुशांत सिंह राजपूत को पॉपुलर बनाया, और इस शो से रिलेटेड ये एक छोटा सा किस्सा एकता कपूर ने हाल ही में शेयर किया कि चैनल सुशांत की जगह किसी और को चाहता था, लेकिन एकता और उनकी टीम ने चैनल को कन्विंस कर लिया कि इस बंदे में दम है और मैं गारंटी लेती हूँ कि ये शो हिट होगा। और इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत फेस बने पवित्र रिश्ता का, जहाँ से उन्होंने अपनी पहचान बना ली। एकता कपूर के लिए ये बात है कि इंडस्ट्री में वो जिस भी नए चेहरे को चांस देती है वो हिट हो जाता है। उन्होंने बहुत सारे न्यू कमर्स को भी स्टार बनाया, भले ही स्मृति ईरानी हो, प्राची देसाई हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत ही क्यों ना हो। इस लिस्ट में तीसरा प्रोडक्शन हाउस वो है जो इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहा है और जिन्होंने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। जी हाँ, साजिद नाडियाडवाला प्रोडक्शन। साजिद नाडियाडवाला बॉलीवुड में अपने आप में एक बहुत बड़ा कैंप है। उन्होंने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जुड़वा, हाउसफुल सीरीज, किक, और रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ही थे। इसके बाद नाम आता है टी सीरीज का। हम सब जानते हैं कि टी सीरीज म्यूजिक में सबसे बड़ा लेबल था, लेकिन अब टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा लेबल है। ऐसा कहा जाता है टी सीरीज साल में 20 फिल्में करता है, और यही वजह है कि टी सीरीज बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा बैनर माना जाता है। इस लिस्ट में शामिल है एक और बैनर, जिस बैनर ने बॉलीवुड के कई बड़े सितारे दिए, जिसमें शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी भी थे। जी हाँ, वो है यशराज बैनर। अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, तो सुशांत भी एक टाइम पर यशराज की आंखों के तारे बने हुए थे। शुद्ध देसी रोमांस जैसी फिल्में यशराज ने ही प्रोड्यूस की थी। उसके बाद ब्योमकेश बख्शी, सुशांत सिंह राजपूत थे उसमें। इसके अलावा आपको बता दें कि बेफिक्रे फिल्म के लिए भी पहली पसंद सुशांत ही थे। इसके अलावा पानी फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने 1.5 साल तक कोई भी फिल्म नहीं की थी। कारण था, वो पानी में काम करना चाहते थे और यशराज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था 3 फिल्म का, और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता, तब तक सुशांत सिंह राजपूत कोई और फिल्म नहीं कर सकते थे। और इसी वजह से वो रामलीला फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए, बाजीराव मस्तानी का भी हिस्सा नहीं बन पाए, फितूर फिल्म उन्होंने नहीं की। कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने करियर के टॉप टाइम पर छोड़ दी। इस लिस्ट में अब नाम आता है दिनेश विजान का। दिनेश एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और हाल ही में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में प्रोड्यूस की हैं। लव आजकल, कॉकटेल 3,
लुका छुपी, इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म राब्ता के प्रोड्यूसर भी दिनेश ही थे। अब इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है उस सुपरस्टार का जो खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इनका बैनर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और अब तक इन्हें सुपरस्टार कहा जाता था। जिन लोगों को ये पसंद नहीं करते उन्हें ये इग्नोर कर देते हैं, ग्रुपिज्म, बायकॉट करना, ये सब वो नहीं करते, लेकिन इस लिस्ट में इनका नाम आना बहुत ही चौंका देने वाला है। जी हाँ, इस लिस्ट में नाम आता है सलमान खान का। सलमान खान के लिए कहा जाता है कि वो इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को सबसे ज्यादा मौका देते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इस लिस्ट में सलमान खान का एक बहुत बड़ा नाम है। ये जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन प्रोडक्शन हाउसेज पर। ताज्जुब होता है ये जानकर कि मुट्ठी भर लोग डिसाइड कर लेते हैं किसी भी स्टार का फ्यूचर। इन सबके बायकॉट करने से सुशांत सिंह राजपूत के पास कुछ ऑप्शंस नहीं बचे, या तो वो टीवी सीरियल करें या फिर वेब सीरीज करें। कुछ ऐसी सिचुएशंस में सुशांत सिंह राजपूत आ गए थे। सुशांत के अगेंस्ट इस तरीके से ग्रुपिज्म हुआ, इसकी खबर भी आई थी फरवरी में। केआरके ने अपने ट्वीट में शेयर भी किया था जिसमें उन्होंने इन सभी प्रोडक्शन हाउस का नाम मेंशन किया और लिखा था, इन सभी प्रोडक्शन हाउसेज ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया है। कुछ ही महीनों में वो सुशांत सिंह राजपूत, जो अपने करियर में बहुत शानदार कर रहे थे, फाइनली इनसिक्योर थे। जो एक्टर एक स्टार है, अपनी लाइफ में सेटल्ड है, उन्होंने इंडस्ट्री में बेहतरीन फिल्में की और अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवाया। वो एक्टर अपनी लाइफ के इस पॉइंट पर पहुंच जाता है कि वो खुद को खत्म कर दे बिना कुछ बोले। ये बहुत ही चौंकाने वाला लगता है।